नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं विभोर मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र से उत्तराखंड को मिला तोहफा, बागवानी और लघु उद्योग के लिए 1300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत। पर्यावरण को लेकर रुकी परियोजनाओं पर वार्ता के लिए दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रदेश के सभी नगर निकाय अगले वर्ष मार्च तक खुले में शौचमुक्त हो जाएंगे। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा, सभी निकायों में 7वां वेतनमान लागू। आधार कार्ड लिंक होने पर ही मिलेगी पेंशन। जनता दरबार में बोले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या, आधार के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जानकारी। मुख्य सचिव ने बताया, सरस्वती नदी पर तेजी से चल रहा काम, सभी जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में बागवानी के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही MSME के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इससे राज्य में बागवानी और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही पर्वतीय कृषि विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए भी करीब 550 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल जाएगी। इस पर स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक में फैसला लिया जाना है। त्रिवेंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र के इस आर्थिक सहयोग से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री वहां पर्यावरण से जुड़ी 28 परियोजनाओं के बारे में केंद्र के समक्ष राज्य का पक्ष रखेंगे। वन और पर्यावरण से जुड़े मसलों के चलते इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर रोक लगी है, जिसे फिर से शुरू करने को लेकर वे केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी निर्माण कार्य पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही किए जा रहे हैं। हमारे वन पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े हुए मसले हैं, उसके बारे में हमारे मंत्री से मुलाकात होगी और जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है प्रकाशित, उनसे जुड़े हुए कुछ मसले, उनकी मीटिंग है। एक तरह से पर्यावरण का संरक्षण करते हुए निर्माण कार्य, इसलिए किसी तरह की रोक निर्माण कार्यों पर नहीं। दिल्ली यात्रा से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। प्रदेश के सभी निकाय मार्च 2018 तक खुले में शौचमुक्त हो जाएंगे। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 92 निकायों में 7वां वेतनमान लागू किया जा चुका है। जिन निकायों में 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है, वहां इसे लागू करने से संबंधित शासनादेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। नए निकाय बने थे पिछले दिनों से अब तक, और इन निकायों में चूंकि अभी कोई निर्वाचित बोर्ड नहीं था, और निर्वाचित बोर्ड नहीं होने के कारण जो वहां से एक प्रस्ताव आना था, एक तो टेक्निकल रूप से वो नहीं आ पाया था। हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुरूप आज ये तय किया है कि जो वो 20 निकाय थे, उन निकायों को हम लोगों ने 7वां वेतनमान जारी करने के निर्देश शासन स्तर पर यहां मंत्रिपरिषद के अनुरूप जारी कर दिए। वहीं सीमा विस्तार के बाद 29 नगर पालिका और नगर पंचायतों को लेकर चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही 46 नगर पालिका और पंचायतों की अधिसूचना सरकार कल तक जारी कर देगी। आपको बता दें कि सरकार ने अप्रैल 2018 तक चुनाव संपन्न कराने की बात कही है। पालिका और नगर पंचायत ऐसी हैं जहां हमने अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहां DM आपका वार्डों का परिसीमन करेंगे
और परिसीमन के बाद अब आपको कोई इसमें कोई किसी तरह की अब हेयरिंग सुनवाई कोई आवश्यकता नहीं, नहीं। हमारा फाइनल हो चुका है, ये नगर पालिका दोनों मिला के इसमें आप कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई कुछ इसमें उंगली भी रखे। हम उस पालिका पंचायतों को तैयार कर चुके 29। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने आज देहरादून में भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में लोगों ने भूमि, परिवहन, पेयजल और रोजगार जैसे मसलों को मंत्रियों के सामने रखा। श्री आर्या ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन मामलों में जल्द निपटाने के निर्देश दिए। अब देखिए, अलग अलग समस्याएं हैं, भूमि संबंधी है, पेयजल की समस्या है, रोजगार से संबंधित मामले आए हैं और लोक निर्माण विभाग के भी सड़कों के बारे में कहा गया है। अलग अलग समस्याएं आई हैं, व्यक्तिगत समस्याएं भी लोग लेके आए हैं, सार्वजनिक समस्याएं भी हमारे सामने आई हैं, तो निर्देश दिए हैं और बातचीत भी की है। जिलों में अब जो जनता दरबार में पेंशन से जुड़ी शिकायत लेकर कई लोग पहुंचे। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आधार कार्ड लिंक न होने के चलते दिक्कतें आ रही हैं। इसके सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है। बिना आधार कार्ड सत्यापन के अब पेंशन नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारियों से कहा है कि इसका सत्यापन कराएं, संबंधित विभाग के अधिकारी सत्यापन करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी सत्यापन करेंगे और उसके उपरांत पेंशन दी जाएगी। हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी उसी को दृष्टि में रखते हुए हमने निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि पिछले एक वर्ष से रुकी हुई छात्रवृत्ति भी अब मिलनी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। मुख्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ में सरस्वती नदी पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि मंदाकिनी नदी का कार्य स्वीकृत हो गया है और जल्द शुरू हो जाएगा। गरुड़ चट्टी में भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने बताया कि पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए वो खुद दो बार केदारनाथ जा चुके हैं। बर्फबारी के बावजूद कार्य तेजी से चल रहा है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। मुख्य सचिव अपने दफ्तर से निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिव से कहा है कि केदारनाथ धाम को भव्य बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। ड्रोन के जरिए वो खुद भी केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों को देखेंगे। सरकार के स्वच्छता के लिए इस साल भी देश के 10 सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का चयन किया गया है। चयनित स्थलों की स्वच्छता के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड का गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर भी इन 10 स्थलों में शामिल है। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में देश की आत्मा और आस्था बसती है। ऐसे स्थलों की बद इंतजामी और गंदगी सैलानियों का रास्ता रोकती है। सरकार ने इस साल 10 नए स्थलों का चयन किया है, जिसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, चार मीनार हैदराबाद, फ्रांसिस ऑफ असीस का चर्च गोवा, सोमनाथ मंदिर गुजरात, गोमतेश्वर स्टैचू कर्नाटका, कैलेडी केरल, गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, गया का तीर्थ और देवघर का वैद्यनाथ मंदिर शामिल है, जहाँ की स्वच्छता के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। The idea is how can these places become swachh, particularly on the outside, within a defined perimeter, to an international standard. That was the whole idea when we started this. पिछले साल भी 10 ऐसे ही स्थलों का चयन किया गया था स्वच्छता के माध्यम से, जहां का कायाकल्प किया जा चुका है। फेज वन की 10 स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस हैं, उसमें काम हो गया है एक साल में और सारे जगह में परिवर्तन नजर आ रहा है। जैसे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल हुआ, कामाख्या देवी टेम्पल हुआ आसाम में, या वैष्णो देवी जी का टेम्पल हुआ, तिरुपति हुआ। देश के ऐसे 100 महत्वपूर्ण जगहों के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर सफाई करने की तैयारी है। इस तैयारी में कॉर्पोरेट, वर्ल्ड बैंक, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय शामिल है। स्वच्छता के जरिए उन लाखों करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचाना है जो इन स्थलों का दौरा करते हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।
रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल ने एआरटीओ कार्यालय पर ग्राहक बनकर छापेमारी की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्यालय पहुंचकर खिड़की से फॉर्म मांगा तो कर्मचारी ने फॉर्म ना होने की बात की, साथ ही वहीं मौजूद दलाल से फॉर्म लेने को कहा। दलाल के मार्फत 2 रुपये में बिकने वाला फॉर्म 5 रुपये में बेचा जा रहा था, साथ ही गैरकानूनी तरीके से लाइसेंस भी बनवाया जा रहा था। लाइसेंस बनवाने की फीस भी तय फीस से 1,000 रुपये अधिक ली जा रही थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इस मामले में एआरटीओ से जानकारी मांगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल ने कहा कि एआरटीओ के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर जिला अधिकारी को भेजी जाएगी, साथ ही कार्यालय के बाहर बैठे दलालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ पे एक अनोनिमस तरीके से आई थी और सबसे पहले आते मैंने देखा कि काउंटर पे फॉर्म्स खत्म थे, फॉर्म्स ही नहीं मिल रहे थे, तो प्रोसेस मुझे अंदर समझाया गया, लेकिन मुझे बाहर एजेंट्स ने बताया कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के भी यहाँ पे लाइसेंसेस बन जाते हैं और क्या क्या फीस लगती है उसमें। बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले तो सबसे पहले एआरटीओ के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, ठीक है, उनकी रिपोर्ट मैं डीएम साहब को भेजूंगी और उनके स्तर से जो होगा उनकी सैलरी रोकने का या भी कार्रवाई वो शुरू होगी। प्लस 2 लोग जिन्होंने फॉर्म लेने से मना किया, एआरटीओ अपने स्तर से उन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, उनका वेतन रोका जाएगा। छापेमारी के बाद बहुत सारे फॉर्म, गैरकानूनी तरीके से बनवाए गए लाइसेंस और फोटो स्टेट मशीन भी जब्त की गई। हल्द्वानी में तिरंगे को लेकर एक खास कवायद चल रही है। यहां पूरे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने की तैयारियां जोरों पर हैं। नगर निगम ने नैनीताल रोड स्थित पार्क में 200 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। नगर निगम और समाजसेवी संस्थाएं मिलकर इस राष्ट्रीय ध्वज की देखरेख का जिम्मा उठाएंगी। हल्द्वानी के नगर आयुक्त हरवीर सिंह का कहना है कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नगर निगम जो है उसमें जो बचा हुआ उनके पास पैसा जो आवश्यकता है नगर निगम द्वारा उनको भुगतान कर दिया गया है, और जो हल्द्वानी में एक धरोहर के रूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज जब लहराएगा तो मैं समझता हूँ यहाँ सबको गर्व महसूस होगा, हल्द्वानी वालों को भी गर्व महसूस होगा। नगर आयुक्त ने बताया कि जल्द ही मिशन तिरंगा को शहर के लोगों के साथ मिलकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की एकता के नाम पर समर्पित किया जाएगा। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से हल्द्वानी में चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा अभियान कारगर साबित हो रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग के साथ इस संयुक्त अभियान में यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल से शुरू हुई इस अभियान के तहत परिवहन विभाग ने अब तक करीब 400 ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। सड़क सुरक्षा को स्थापित करने के लिए कई आयामों से पर काम कर रहे हैं, जैसे एक तो जो लोग गाड़ी चला रहे हैं और ओवरलोड ले जा रहे हैं या हाई स्पीड से ले जा रहे हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं या सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमने सख्त कार्रवाई की है और अभी तक इस वित्तीय वर्ष में हम लगभग 400 चालकों के लाइसेंस को सस्पेंड कर चुके हैं। हमारे जो जितने भी अधिकारी हैं विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में हमारे परिवहन विभाग के, वो हर महीने किसी न किसी एक या दो स्कूल में जाकर जो है जो बच्चे हैं उनको रोड सेफ्टी के विषय में जो भी जानकारियां हैं या उनकी जो भी जिज्ञासा हैं उनके विषय में उनको बताते हैं। इस अभियान में अब तक 70 लाइसेंस 3 महीने के लिए निरस्त किए हैं। SPCT अमित श्रीवास्तव का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट के शर्तों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। के जो ड्राइविंग लाइसेंस है या परमिट के शर्तों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उनके निरस्तीकरण की हमने रिपोर्ट भी भेजी है, लगभग 70 के करीब पुलिस ने अपनी तरफ से भेजी है, बाकी RTO विभाग ने भी इसमें काफ़ी कार्रवाई करी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों को अधिक से अधिक स्मूथ रखा जाए, रोड पर अनावश्यक खड़ी ना हो, डबल ट्रिपल जो लेन्स बन जाती हैं ओवर टेक करने की वजह से वो ना हो, इन्हीं चीज़ों पे हम इसको एजुकेट भी कर रहे हैं, हम इसमें ड्राइवर्स वगैरह के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं और अगर फिर भी उनके द्वारा कोई गलती होती है तो हम उसमें चालान करके और खासतौर से लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी अपनी तरफ से ला रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र से उत्तराखंड को मिला तोहफा, बागवानी और लघु उद्योग के लिए 1300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत। पर्यावरण को लेकर रुकी परियोजनाओं पर वार्ता के लिए दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत।
प्रदेश के सभी नगर निकाय अगले वर्ष मार्च तक खुले में शौच मुक्त हो जाएंगे। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा, सभी निकायों में सातवां वेतनमान लागू। आधार कार्ड लिंक होने पर ही मिलेगी पेंशन, जनता दरबार में बोले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या। आधार के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जानकारी। मुख्य सचिव ने बताया, सरस्वती नदी पर तेजी से चल रहा काम, सभी जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।